फरागोगी को 83 मिलियन में 600 मिलियन का प्लॉट अलॉट किया गया। फरागोगी और उनकी वालिदा की कंपनी अलमोइस डेयरी को गैर कानूनी तौर पर प्लॉट अलॉट किया गया। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राणा यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फरागोगी को सनती प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि दोनों अहलकारों पर इल्जाम था कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फरागोगी और उनकी वालिदा की कंपनी अलमोइस डेयरी को प्लॉट अलॉट किया। फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वाकई 10 एकड़ का प्लॉट फरागोगी को सिर्फ 83 मिलियन रुपए में अलॉट किया गया था और इसकी असल कीमत 600 मिलियन रुपए थी। प्लॉट के हसूल के लिए कंपनी की मालियत 2 अरब रुपए होनी चाहिए थी। फरागोगी के शोहर एहसन जमील गुजर ने इस हवाले से 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। एसीई फरागोगी और एहसन जमील गुजर के असासों की छानबीन कर रही है। जराये का कहना है कि फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने बताया कि एसीई की 3 रुकनी टीम इस केस की तहकीकात कर रही थी।